काका बाबा बदन राम राम हुआ ये तुम्हारी सुबह मुकेश परमार खबर लिन जेवरते बात करें कि काकानवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोकी हरिनगर से तहत एक कालनी घटना था, यानी कि दिन भर पूरी घटना लोगों ना दिमाग में लगी कि आखिर हरिनगर जो छोकी है जो छोकी प्रभारी तरफ थी एक रमसू करीन जे आदमी से तीन घेरती उठाई ले दो घेर तो उठावे तीन पूछताछ करवा हारू एम करीन ली गया रात नी 12 बजे नी बात एनी बात फिर सरपंच ने फोन करीन कह दू कि इना आदमी नी काम जरूरत नहीं मिले तीन पासो ले जाओ एम करीन ताना तीना गांव ना सरपंच ने बोला ली एन सरपंच खुद लीन गयो एवी रीते तहाना लोगों ने तीहना परिवार नु कहवानू लेकिन इनी बात एवी रीते तीना आदमी ने घेर ले गया तीन पहलो अने की घेर ले जाता त्यो आदमी रमसू अने की शांत थी गयो अने की मरी गयो इनी बात ये घटना तेर थी मंडी हरिनगर ने जो छोकी पर से अंत्य छोकी प्रभारी नया स्टाफ से तिहुनी पर आरोप लागियो कि यूं ही रमसू ने पूछपरछ करवा लावेला पूछताछ करवा लावेला लेकिन यूं मारियो और एवी रीते तिहुना परिवार नो आरोप कहवानो अने इनी बात फिर पुलिस मौके पर पूगी तीन तब तक छोकी स्टाफ से छोकी प्रभारी से तिहुन तोड़फोड़ छोकी पर तोड़फोड़ करी अने फिर झाबवानी जेम तेम मालूम पड़ी सूचना खबर जानकारी मिली तो झाबवानी पूरी पुलिस और एडिशनल एसपी मौके पर पुग्यो। रात को 12 बजे आए पुलिस वाले वो यहाँ से उठा के इधर बालवा से तरफ से ले गया दाहिने बाजू वो इधर घुमा के दारू पी के वो इसने रात को 2 बजे फोन लगाया 1:30 बजे तो सरपंच को फोन लगाया वो आजू बाजू वाला को दूसरा को भी फोन लगाया वो नहीं आया सरपंच है यार उसने क्या बोला इसको ले जा इधर यहाँ से सरपंच ने बोला कि क्यों ले जाऊँ तो इसको छोड़ देते हैं कहा इसका काम नहीं है तो सरपंच ने देखा नहीं है कुछ कुछ लगा नहीं है बोलता था वो मगध अगध में लगी लू है तो इन्हें हूँ खबर भाई लगी लू से ये भाई भी बोलते तो ये खाली यहाँ बैठो तो ने घर मुकवा आयो सरपंच इधर यहाँ खाली उतरियो ने यहाँ साडो पड़ गयो तो पूरा ख़त्म हो गया वो दवाखाना ले जाने की कोई हुए नहीं गुजस्ता नहीं मतलब बोलने भी नहीं मिला बोलना में नहीं मिला। क्या नाम तुम्हारा? गुलाब। ठीक सोया होकर उठाया और आके उठा के सब बंदूक का गोदा मार के मेरे पिताजी को सीधा यहाँ पूरा मतलब तोड़ डाला और इधर ऐसे को गोदा मार दिया और दारू पी भी के पुलिस वाला दारू और मेरा पिताजी उपहार कर अभी कुछ खाता नहीं कुछ पिता भी नहीं। क्या नाम क्या आपके पिताजी का? रसन वाल से किशोरी। कितने पुलिस के कितने लोग आए थे? 5 आदमी एक ड्राइवर से पुलिस के आदमी। तो उठा के कहाँ लेके गए? बस उठा के बालवा से तरफ गए उधर से वो जाने तरफ जाकर मार के पोल पी लेते वो ऐसा किया। सर मेरे को करीबन 1:30 बजे मेरे को फोन लगाया चौकी प्रभारी ने कि भाई वो रसन को हम ले आए तुम आके ले जा। तो मैं आया करीबन मैं 20 मिनट बाद आया तो आया इसके बाद वो चादर ओडा के बिठा रखा था इन्होंने वो रोड पे दिया मेरे को ये अपने यहाँ ही रोड पे चौकी पे से नहीं ले गया मैं। हाँ तो आके इनके ले जाओ यहाँ से मैं ले गया बैठा के टाई से ले गया बाइक से ले गया वहाँ ले गया। मैंने बोला कि अब तू घर जाओ और मैं घर जाऊँ तो वो उतरा फिर इसके बाद वो बैठ गया। इसके बाद मैंने बोला कि क्या हुआ मेरे को बोल भी नहीं पाया। इन्होंने झगड़ा था लड़के और इनका भाई काका भतीजे के उसके बारे में वो लाया था। मैंने बोला भाई तुम इसको क्यों लाया जिसने झगड़ा किया इसको लाना था। तो फिर मेरे को तत्काल मैंने फिर वहाँ बैठ गया इसके बाद नीचे ऐसे गिर गया इसके बाद उठा नहीं पाया। फिर मैंने पास वाले को बुलाया वो आया फिर इनके घर वाले आ गया सपुरुद करा तो मेरे 5-4 पुलिस वाले थे तोल सिंह दल्लू मुनिया चायन सरपंच।